एक वेतन दिया जाएगा। कक्षा 6 से 8 वाले शिक्षकों को 28,000 मासिक वेतन। हमारे सहयोगी रजनीश जुड़ चुके हैं। रजनीश, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है शिक्षकों के वेतन को लेकर, एक बार डिटेल में जानकारी दीजिए। बहाली का जो अभ्यर्थी है, लेकिन अब शिक्षा विभाग की पदवर्ग समिति ने ये घोषणा कर दी है, अब सीधे अब कैबिनेट की मोहर का इंतजार रहेगा, यानी अब कैबिनेट में मोहर लगने के बाद सीधे अब बीपीएससी को जो रिक्तियां हैं वो मिल जाएंगी, उसके बाद वैकेंसी एक तरफ से जारी होगा, विज्ञापन जारी होगा। आपको बता दें कि बिहार में जो शिक्षक बहाली है उसमें शिक्षा विभाग की पदवर्ग समिति ने जो अभी घोषणा की है उसके तहत 1,78,026 पद जो है वो घोषित किए गए हैं, सृजित किए गए हैं, यानी राज्य में 1,78,026 पदों पर जो है वैकेंसी निकलेगी और इसी के तहत जो अभ्यर्थी है वो परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, जिससे क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के जो शिक्षक होंगे उसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो आपको बता दें कि वर्ग 1 से लेकर 5 तक के जो पद है उसके बारे में भी जानकारी दे दें, 85,477 पद है। वर्ग 6 से 8 तक के लिए 1,745 है और उसके बाद जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक है इसमें कुल 90,804 पद सृजित किए गए हैं, जिसमें कुल 11 से 12 के लिए 57,618 और उसके अलावे वर्ग 9 से 10 के लिए 33,186 पद जो है उसका सृजन किया गया है। और दूसरी तरफ जो पदवर्ग समिति है इसने वेतन का भी एक तरह से निर्धारण कर लिया, उसकी घोषणा कर दी गई है, क्योंकि असमंजस की हालत थी कि राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा तो इनका वेतन क्या होगा। तो हम बता दें आपको कि जो भी अभ्यर्थी अभी देख पा रहे हैं या जानकारी नहीं होगी उनको, ये बता दें कि उनके वेतन को लेकर सरकार ने घोषणा कर दी है एक तरह से, और अब 1 से 5 तक वाले जो शिक्षक हैं उनको 25,000 रुपये मिलेंगे मासिक, वर्ग 6 से 8 वाले शिक्षकों को 28,000, वर्ग 9 से लेकर 10 वाले शिक्षकों को 31,000 रुपये जो मिलेंगे, और उसके साथ साथ वर्ग 11 से 12 वाले शिक्षक हैं उनको 32,000 रुपये मासिक मिलेंगे। कुल मिलाकर सरकार ने जो अनुमानित व्यय है उसकी भी जानकारी दी है कि आखिर सालाना सरकार पर कितना बोझ बढ़ेगा जो राशि है उसका। तो ये कहेंगे कि अब कैबिनेट में मुहर लगते ही बीपीएससी को सीधे अब रिक्तियां मिल जाएंगी, उसके बाद विज्ञापन जारी होगा और जो नियमावली को लेकर जो विरोध पर सरकार पूरी तरह से एक तरह से कहें कि अब बैकफुट पर आ गई है, सरकार कहीं से भी अब नियमावली में संशोधन करने वाली नहीं है, क्योंकि अब विज्ञापन जो जारी होगा उसके तहत जो नियोजित शिक्षक है या जो राज्य भर के सीटेट बीटेट एस्टेट अभ्यर्थी है उन्हें हर हाल में इम्तिहान देना होगा, तभी जाकर वो टीचर बन सकेंगे। जी रजनीश, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि अब बस कैबिनेट की मोहर लगनी बाकी है और विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो जाएगा, क्या कुछ समय निर्धारित किया गया है कि कब तक विज्ञापन जारी होगा और कब तक एग्जाम लिए जाएंगे? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो खबर हमारे पास आ रही है हम ब्रेक कर देते हैं और जानकारी न्यूज 18 के माध्यम से दे देते हैं कि अगली कैबिनेट की बैठक जब भी होगी, अब उस कैबिनेट की बैठक में अब जो सीटों की जो रिक्तियों की जानकारी दी गई है पदवर्ग समिति के द्वारा, उस पर अब कैबिनेट में मुहर लग जाएगी, यानी अगली कैबिनेट की बैठक जैसे ही होगी उसमें अब शिक्षा विभाग का जो प्रस्ताव है, यानी जो सीटों का जो प्रस्ताव अभी विभाग भेजेगी अभी कैबिनेट को, उसमें सीधे अब कैबिनेट में मुहर लगेगी, उसके बाद कैबिनेट से मुहर लगने के बाद बीपीएससी को रिक्तियां मिल जाएंगी और विज्ञापन जारी होगा, यानी इस बीच बीपीएससी को अब सिलेबस भी जारी करना है। तो कुल मिलाकर मई माह जो है काफी कुछ निर्भर करेगा, मई महीने।